Hello everyone, assalamu alaikum. I hope you guys are doing great. In this video we will discuss about alpha fold. Alpha fold kya hai, kis tarah use karte hain, ye aise kya balaa hai aakhir, isme kya features hain aise ki isne duniya mein aate hi tehlka macha diya tha aur itne short duration mein ye har jagah prevail ho gaya tha. Alpha fold ek aisa zabardast software hai, aisa tool hai jo ki use karke hum protein ke structure ko jo hai wo predict कर सकते हैं और बहुत precisely predict कर सकते हैं. इसमें गलती के chances बहुत कम होते हैं. तो इसमें जो आज contents हम discuss करेंगे, first we will discuss about this introduction, then protein folding problem क्या है और किस तरह से Cas14 की assessment हुई थी, इसके results क्या थे और approach क्या use की गई protein folding problem को deal करने के लिए और इसका potential क्या है, real world पे impact क्या है और किस तरह से ये unlock कर रहा है new possibilities को. देन सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं. हमें पता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन इसेंशियल है लाइफ के लिए. कितनी ज़्यादा इसेंशियल है, जितने ज़्यादा हमारे फंक्शन बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं सब के सब प्रोटीन के तहत हो रहे हैं. और प्रोटीन का हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि बना होता है अमाइनो एसिड. हमें नहीं पता था कि ये हेलिकल है, स्फीयर है, स्फेरिकल है, स्पाइरल है, कौन सी कॉन्वोल्यूटेड शेप है, इसकी कौन सी शेप है. तो इसकी शेप के प्रेडिक्शन के लिए क्या करते हैं कि Cas14 एक क्रिटिकल, जिसका हम एब्रिवेशन है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कैस्प के नाम से. तो कैस्प ने डिफरेंट टूल्स यूज़ किया प्रेडिक्शन के लिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए ताकि प्रिसाइजली इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट हो सके. और जो न्यू डिस्कवरीज हैं जैसे कि ड्रग डेवलपमेंट के अंदर, डिजीज़ के अंदर, तो वो डिफरेंट डिस्कवरीज के अंदर जो अल्फा फोल्ड है वो यूज़ हो सके. तो प्रोटीन हमें पता है कि ये डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बनता है. ये अमीनो एसिड छोटे छोटे एक चैन में मिलते रहते हैं और एक लंबी चैन बना देते हैं और फिर क्या करते हैं, ये फोल्ड होते हैं. अब फोल्ड डिफरेंट तरीक़ों से होते हैं. हमने पढ़ा हुआ प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि अल्फा हेलिक की शेप में भी हो सकते हैं, बीटा प्लेटेड चेन्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, या फिर उसके बाद फर्दर होते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाता है और उससे भी ज़्यादा फोल्डिंग होती है तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है. अब ये नहीं पता चल रहा था कि किस तरह से ये फोल्डिंग हुई जाती है, कोई स्पेसिफिक वे होता है या क्या होता है कि ये फोल्डिंग जो है वो की जाती है. तो इसके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए इसके फोल्डिंग का पता होना बहुत ज़रूरी था. तो Cas14 ने ऐसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए कि हम जो है अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली और प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है कि प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम बेसिकली एक मेजर प्रॉब्लम था जो सबसे पहले क्रिश्चियन एनिफिनसन थे जिन्होंने ये पोस्टुलेट किया था कि हम प्रोटीन के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को देखते हुए इसका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले एनिफिनसन ने ये बात कही थी कि स्ट्रक्चर प्रोटीन का इस तरह से भी प्रेडिक्ट हो सकता है कि अगर हम इसके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को चेक करें और इसके सीक्वेंस की प्रेडिक्शन की बेसिस पे हम आगे इसके स्ट्रक्चर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें, अब मेजर चैलेंज क्या आ रहा था कि फाइनल जो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर हमारे सामने होता है, ये स्ट्रक्चर होने से पहले प्रोटीन डिफरेंट फोल्डिंग्स में आता है. तो ये एक प्रॉब्लम थी जो कि दुनिया में बहुत लंबे अरसे से 50 साल तक बायोलॉजी की फील्ड में ये प्रॉब्लम प्रिवेल करी थी. क्राइरस लेवेंथल थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि ये प्रोटीन इतनी वेज में फोल्डिंग होती है कि अगर पूरी यूनिवर्स की एज भी हम लगा लें ना तो उससे भी ज़्यादा फोल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं. अगर रिजल्ट्स की बात करें तो Cas14 ने जो कि क्रिटिकल असेसमेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के प्रेडिक्शन करते हैं, इनके डिफरेंट वर्जन थे 1, 2, 3, 4, 5, जैसे आईफोन के डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं ना, अब तो आईफोन 14 तक आ गया. तो इस तरह Cas ने तरक्की करते करते ना Cas14 तक पहुंच गए थे. इन्होंने क्या किया कि ये प्रोटीन को लेते थे और प्रोटीन को लेने के बाद ही उसका जो स्ट्रक्चर था उसे प्रेडिक्ट करते थे, ठीक है. वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने प्रेडिक्ट किया होता था फिर उसे क्या करते थे, ये कंपेयर करते थे. कंपेयर किससे करते थे, कंपेयर ये लोग करते थे एक्सपेरिमेंटल डेटा से. साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट एक साइड पे कर रहे होते थे और दूसरे साइड पे ये प्रेडिक्शन कर रहे होते थे अपने तौर पे. तो फिर जो प्रेडिक्शन वाले रिजल्ट्स होते थे ये उसे कंपेयर करते थे जो साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट किया होता था ना उस डेटा के साथ. और इस तरह इन्हें पता चला कि जो हमारे प्रेडिक्शन है वो कितने लेवल तक एक्यूरेट जा रही है एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ.
उसके बेसिस पे फिर इन्होंने कैस 14 के रिजल्ट्स को मेजर किया कि कैस 14 से हमने जो प्रोडक्शन की है वो कितनी हद तक बेहतरीन है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो हमारे पास हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई हम यूज़ करते हैं बेंचमार्क। तो बेंचमार्क हमारे पास होता है यहाँ पर, जैसे हम कहते हैं ना मीटर किलोमीटर इतना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेजरिंग टूल यूज़ हुआ दैट इज़ ग्लोबल डिस्टेंस टेस्ट GDT के नाम से। इसकी रेंज थी 0 से 100 तक। सिंपल टर्म्स में जो GDT है ना, आप इसको इस तरह से समझ लें कि ये परसेंटेज होती है माइनर रेजिड्यूज़ की। कैस 1 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, कैस 1, 2, 3 ये सारे प्रोडक्शन करते थे और इनकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता था एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ, और इनके जो रिजल्ट्स आते थे उससे GDT को कंपेयर किया जाता था। ये जो मैंने बार्स यहाँ पे बनाई है ना, तो बेसिकली ये क्या है, ये GDT है। अब किसी का कम आ रही है GDT, किसी का ज़्यादा आ रहा है, इसी तरह कैस 1, 2, 3 चलते रहे। और कैस 13 और 14 का आप देखें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कैस 14 का जो आ रहा है हमारे पास एक्यूरेसी रेट GDT, वो सबसे ज़्यादा हाई है। इसलिए कैस 14 को यूज़ करते हुए जो AI टूल बनाया गया दैट इज़ अल्फ़ा फोल्ड, तो अल्फ़ा फोल्ड को यूज़ करते हुए कैस 14 के थ्रू एक टूल बनाया गया जो कि प्रेडिक्ट क्या करता था, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, और ये इसकी प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती थी। अल्फ़ा फोल्ड 2 कैस 14 की बेसिस पे था, जबकि जो अल्फ़ा फोल्ड 1 था दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कैस 13। हाँ, जो हमारा GDT है वो क्या है, वो परसेंटेज है अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ की विद इन थ्रेश होल्ड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्यूरेट पोजीशन। तो एक्यूरेट पोजीशन से जो उसका डिस्टेंस होता है उसकी मेजर होती है GDT, ग्लोबल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने इसको मेजर किया था। अब प्रोफेसर मोल्ट का जो कहना था वो ये था कि अगर आपका GDT 90 आ जाता है ना तो आपकी एक्यूरेसी रेट ज़्यादा होता है। तो अब जो कैस 14 के तहत एक्यूरेसी रेट, उसकी जो असेसमेंट कैस 14 की थी उसके मुताबिक जो एक्यूरेसी रेट चेक किया गया था दैट इज़ ओवर 92 GDT ओवरऑल क्लोज द टारगेट्स। जितने भी टारगेट्स थे उनमें बिल्कुल ये हिट कर रहा था 92.4 GDT के साथ। तो इसलिए जो इसका एक्यूरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, जो प्रिसिजन थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे आप देखें, मैं दो स्ट्रक्चर प्रोटीन के लिए, एक RNA पॉलीमरेज डोमेन का लिया है और दूसरा एडहेशन टिप का लिया है। तो इसमें जो ग्रीन से शो हो रहा है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके उसका स्ट्रक्चर निकाला था, जबकि जो ब्लू से शो हो रहा है दैट इज़ कॉम्पिटिशनल प्रोडिक्शन, जो कि AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट किया था अपने यूजेस करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका GDT रेट कितना ज़्यादा हाई है, 90.7 है और दूसरा 93.3 है। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि जो AI ने प्रेडिक्ट किया था, कंप्यूटेशनल प्रेडिक्शंस थी, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उसके आसपास आ रही थी। तो आप यहाँ पे ग्रीन और ब्लू से जो हुआ हुआ स्ट्रक्चर है वो भी आसानी से देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाई GDT रेट है और प्रिसीजन इसमें, एक्यूरेसी इसमें कितनी ज़्यादा है। तो यानी कैस 14 के इन रिजल्ट्स को देखते हुए इस एक जो सिस्टम था उसे डेवलप किया गया जो कि स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन देता था फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, कि किस तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर, किस तरह से प्रोटीन फोल्ड होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। और हमें पता है कि जितने भी प्रोटीन के फंक्शन होते हैं वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। जिस तरह से प्रोटीन स्ट्रक्चर उसका होगा उस तरह से उसके फंक्शन होंगे। अगर स्ट्रक्चर में कोई सी भी खराबी आएगी तो उसके फंक्शन में भी डिफॉल्ट आएगा। तो इसलिए इस सिस्टम कैस 14 के रिजल्ट को यूज़ करते हुए एक सिस्टम बेहतरीन तौर पर डिवेलप किया गया जो कि स्ट्रॉन्गली प्रेडिक्ट करता था किसको, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। अब हम देखें तो दैट वो सिस्टम का नाम हमें पता चल गया, अल्फ़ा फोल्ड था। अल्फ़ा फोल्ड 2 कैस 14 को यूज़ करते हुए जो है वो डेवलप किया गया था। तो इसका पोटेंशियल क्या था, इसने रियल वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पेक्ट किया, वो ये था कि कर सकते थे इसको यूज़ करते हुए कि किस तरह से जो प्रोटीन है वो सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि पिछली सदी से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम चलता आ रहा था कि प्रोटीन किस तरह से फोल्ड होता है। तो अब इसकी बेसिस पे हमने ये देख लिया कि प्रिडिक्ट कर लिया कि किस तरह से ये मिस्ट्री जो है वो अल्फ़ा फोल्ड ने सॉल्व कर दी थी कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फोल्ड होता है।
हाईली अल्फा फोल्ड को यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जो है हमारे दुनिया में बढ़ता जा रहा है। हम इसकी बेसिस को यूज़ करते हुए अपनी बायोलॉजी के फील्ड के अंदर अपना रिसर्च वर्क बहुत ज़बरदस्त इसकी वजह से कर पा रहे हैं। हम डिफरेंट डिजीज़ को देख सकते हैं, अब कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन थी जिसका फंक्शन जो है वो चेंज हुआ, जिसका स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसका फंक्शन भी चेंज हुआ और जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ जो है डिवेलप हुई। अगर हम करेंटली माइक्रोबायोलॉजी फील्ड के अंदर बात करें COVID-19 की, तो COVID-19 के पास एक जीन होता है, एक प्रोटीन होता है ORF3A। इसका स्ट्रक्चर जो है वो पहले अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन अब Cas14 को यूज़ करते हुए एक और जीन प्रोटीन है ORF8, इसको हमने इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त तौर पे मेजर किया, प्रेडिक्ट किया जो है वो इसको यूज़ करते हुए अब हम ORF3A का स्ट्रक्चर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ORF8 का स्ट्रक्चर भी हमारे पास नॉनेबल है। किसकी यूज़ करते हुए ये पॉसिबल हुआ है? अल्फा फोल्ड 2 की सॉफ्टवेयर को, टूल्स को यूज़ करते हुए हम ये प्रेडिक्शन एक्यूरेटली कर पाए हैं। फर्दर अब हम इसके थ्रू ये देख सकते हैं कि किस तरह मल्टीपल प्रोटीन्स बल्कि कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, किस तरह DNA RNA के साथ इंटरेक्ट होता है। This is all about for today. I hope you liked the lecture and don't forget to subscribe to my channel. I will surely upload the video on how to use this software and how you can predict the protein structure of your choice. Protein.